नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी। आप देख रहे हैं लल्लनटॉप की चुनावी यात्रा। बेगूसराय में है और बेगूसराय लोकसभा चुनने की एक वजह, हमारे साथ बैठे हैं गिरिराज सिंह, मोदी सरकार में मंत्री और 2014 से 19 के बीच नवादा से सांसद, अब बेगूसराय आए हैं। मैं राजनीतिक सवाल पूछने का लोभ है, पर सबसे पहले ये पूछूंगा कि कुछ दिनों पहले आपने ट्विटर पर अपने नाम के आगे शांडिल्य लगाया था और कहा था कि अब मैं जातिवाद के खिलाफ लड़ूंगा, वो प्रसंग क्या था पूरा? कोई प्रसंग नहीं था। भारत की, भारतीय संस्कृति को एकजुट करना मेरे अंदर के डीएनए का है, मैं आगे भी ये काम करता रहूँगा। कल अमित शाह की रैली में दिया आपका एक बयान चर्चाओं में है कि जिन्हें 3 गज ज़मीन चाहिए उन्हें भारत माता को मानना होगा, इस तरह का। देखिए साहब, क्या बनाना चाहते हैं ये विपक्ष और राहुल गांधी? पाक एजेंडा चलेगा भारत में? मैं कोई तर्क के आधार पे कह रहा हूँ, मुझे मेरे तर्कों को कोई काटे। ये गठबंधन के लोग से मैं शुरू करूँ, कांग्रेस पार्टी ने शुरू से आतंकवादी अलगाववादी का समर्थन किया। पहले मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के दूत बन के जाते थे पाकिस्तान, फिर अभी नए दूत बने सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू, और वो बाजवा से गले मिलते हैं, जो भाजपा मेरे देश के अंदर आतंक का जखीरा बना रखा है, भेजते रहता है। फिर वो प्रधानमंत्री के प्रशंसा करने के बाद बदले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का प्रशंसा करते हैं। जब राहुल गांधी पाकिस्तानी एजेंडे को लाने के लिए अमेठी से चुनाव हार जाते हैं मानसिक रूप से, पहली बार कोई गांधी परिवार अमेठी से चुनाव लड़े और दो जगह लड़े, ये पहली बार हुआ। इंदिरा जी 77 में लड़ी थी दो जगह, इंदिरा जी लड़ी थी 77 में, वो भी हार गई थी, वो भी मानसिक खराब था। 80 में वो मानसिक रूप से हारने के बाद ही लोग, तो राहुल गांधी मानसिक रूप से हार गए तो कहाँ गए? केरल गए। केरल में क्या दृश्य दिखा? कांग्रेस के झंडे विलुप्त हो गए। वो झंडे जो पाकिस्तान के झंडे होते हैं लगभग उसी से मिलता जुलता मुस्लिम लीग का झंडा है, चुनाव चिन्ह और सारे झंडे के आकार प्रकार, भले सेंटीमीटर का अंतर हो कि यहाँ इतने सेंटीमीटर के चांद हैं वहाँ इतने सेंटीमीटर पर, लेकिन परसेप्शन जो जाता वो जाता कि जब दृश्य दिखा तो लगा कि राहुल गांधी भारत में नहीं नामांकन कर रहे थे बल्कि पाकिस्तान के रावलपिंडी में कर रहे थे। और फिर इस पाकिस्तानी एजेंडे को सिद्धू आकर के इसी बिहार के कटिहार में उन्होंने कहा, क्या कहा? 64% मुसलमान हैं यहाँ, एकजुट हो जाएं तो मैं जीत लूँगा। क्या बिहार को सांप्रदायिक आग लगाना चाहते हैं? अगर उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया होगी तो क्या होगा? अभी RJD के उम्मीदवार ने कहा कि मैं वंदे मातरम नहीं कहूँगा। अरे भाई, वंदे मातरम तो आज़ादी की एक तरह से क्रांति संदेश था। हम भारत माता को पूरी दुनिया में हम ही कहते हैं, मिट्टी को प्रणाम करते हैं, माँ कहते हैं, वंदे मातरम कहते हैं। अगर आप भारत की मिट्टी को, भारत को माँ नहीं कह सकते तो आपकी लॉयलिटी क्या पाकिस्तान के साथ है? गिरिराज जी, वो अपने बचाव में ये दलील देते हैं कि संविधान में बाध्यता होगी तो करेंगे, और उनका ये कहना है कि ये लोग जो हमें वंदे मातरम कहने के लिए विवश करते हैं, ये हमारी देशभक्ति का टेस्ट करते फिरते हैं, इनको ये अधिकार किसने दिया? ये उनका बचाव है। इनको अधिकार किसने दिया? जो अधिकार आज़ादी की लड़ाई में दीवाने लोग जो थे आज़ादी के, वो वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम कर करके लोगों को जगाते थे, और आज पूरे राष्ट्र में वंदे मातरम भारत की एक तरह से अस्मिता से जुट गया है। अरे महाराज, जो भारत की धरती को नहीं तुम प्रणाम करोगे, वंदे मातरम कहोगे, हम तो सिमरिया घाट गंगे घाट में, मेरे बाप मर गए, बाबा मर गए, हम भी मर जाएंगे, हम तो 1 गज ज़मीन नहीं देंगे, तुम तो 3 गज ज़मीन लेते हो फिर भी तुम नहीं कहोगे, ये देश में अब नहीं चलेगा। यहाँ भी लोग आ करके, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पैजामा पहन करके धार्मिक उन्माद फैलाते जा रहे हैं। ये भारत और बिहार की धरती को आतंकवाद की धरती हम नहीं बनने देंगे। कई लोग सोशल मीडिया पर ये लिख रहे हैं कि गिरिराज सिंह का इतना आग्रह है तो वो एक केंद्र में कानून पास करवा दें लोकसभा में कि सभी को वंदे मातरम कहना अनिवार्य है। फिर मैं कह रहा हूँ, ये किसको अधिकार दिया गया है कि जो आज़ादी का मंत्र था
उस मंत्र को दरकिनार कर दे। अरे स्वतः होना चाहिए, कहाँ लिखा हुआ है कि पिताजी को सम्मान करें? कहीं संविधान में लिखा हुआ है? माँ को सम्मान करें कहीं संविधान में लिखा हुआ है? लेकिन हमारी संस्कार और संस्कृति में लिखा नहीं है, रचा बसा है। माँ माँ होती हैं, प्रणाम करता हूँ, पिता पिता होते हैं समाज में। इसको संविधान से चलेगा, ये वंदे मातरम संविधान से चलेगा? जो लोग संविधान की बात करते हैं उनकी लॉयलिटी खाते यहाँ हैं, गाते कहीं और। क्या पाकिस्तान के प्रसंग में एक तर्क ये आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तो नवाज शरीफ की माँ से मिलने गए थे। मिलना जुलना तर्क वितर्क दुनिया ने देखा है, जो तर्क दे रहे हैं वो देश को बताएं तर्क। देश आज समझने को तैयार नहीं है। जो आतंकवादियों का साथ देगा, जो पाकिस्तान की बातें करेगा, वो भारत की बात नहीं कर सकता।